नवें खेती कानूनों के विरोध में देश भर के किसान राजधानी दिल्ली दीआं चारों सीमा घेरी बैठे ने। इस विच कड़ाके की ठंड अते केंद्र सरकार की बेरुखी की वजह नाल किसानां नूं मुसीबतां अते मौतां दा सामना करना पै रहा है। बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसानां दी लगातार मौतों विच इजाफा हुंदा जा रहा है। सब तो वध मौतां ठंड की वजह नाल दसियां जा रहियां ने। किसान आगुआं मुताबिक हुण तक 42 किसान अकाल चलाना कर चुके ने। किसान आगुआं दा कहना है कि सर्दी की वजह नाल कई ऐसे किसान ने जो बीमार पै रहे ने अते ठंड की वजह नाल मौतां दा दमन थाम रहे ने। हाल ही विच सिंघू बॉर्डर ते संत बाबा राम सिंह ने भी किसानां दे रोह नूं देखदे होए आत्महत्या कर ली सी। उन्हां दे सेवादारां ने दस्सिया कि किसानां दी हालत देख के ओह काफी परेशान सन। किसान आगुआं दा कहना है कि इन्हां शहादतां नूं हमेशा याद रख्या जाएगा। खैर, जिस प्रकार हड भन्नणी सर्दी च किसान धरने ते बैठे ने, दूजे पासे सरकार दी बेरुखी नाल इंज लगदा है कि सरकार किसानां दे मुद्दे नूं निपटाउणा नहीं चाहुंदी। अलबत्ता इस किसानी घोल विच 42 किसानां दी मौत हो जाण दे बावजूद भी केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। लिहाजा किसानां वल्लों बीते 2 दिन पहलां मृतक किसानां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतीआं गईआं सन। किसानां ते सरकार विच छिड़ी इह जंग हुण हौली हौली मौतां विच तब्दील हो रही है। सरकार वल्लों अजे तक कोई भी भरोसेमंद बयान जां गल्लबात नहीं आकी गई। मसलन देखणा इह होएगा जिस प्रकार किसानां दी मौत दा आंकड़ा 50 दे नेड़े आ पहुंचा है, अगर इह इदां ही वधदा रहा तां खेती कानून सरकार दी गले दी फांस बन जाणगे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।